क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोइन खान का मानना है पाकिस्तान इस बार विश्व कप में भारत को हरा सकता है। उन्होंने कहा वर्तमान पाकिस्तानी टीम काफी ताकतवर है और विश्व कप में भारत से हारने का सिलसिला तोड़ सकती है। दरअसल क्रिकेट के इस महाकुंभ में अब तक 6 बार भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हो चुकी हैं और हर बार बाजी टीम इंडिया के हाथ लगा। विश्व कप 2019 में भी भारत और पाकिस्तान की टीमें 16 जून को 7वीं बार आमने सामने होंगी। मोइन खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा मौजूदा पाकिस्तानी टीम विश्व कप 2019 में भारत पर पहली जीत दर्ज करने की क्षमता रखती है क्योंकि इस टीम में कई ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। लगभग 2 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पर मिली जीत को याद करते हुए मोइन खान ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे लड़कों ने उन्हें 2 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था और मुझे लगता है कि इंग्लैंड की परिस्थितियों में जून के महीने के हिसाब से हमारे पास बेहतर गेंदबाज हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि आगामी विश्व कप में इंग्लैंड और भारत दोनों टीमों को हराना काफी मुश्किल काम होगा। जाहिर सी बात है विश्व के सबसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम से सजी भारतीय टीम में रोहित शर्मा, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली के अलावा हार्दिक पांड्या जैसे धुरंधर बल्लेबाज मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ सकते हैं। गौरतलब है कि भारत ने आखिरी बार पिछले साल एशिया कप में लगातार 2 मुकाबलों में पाकिस्तान को हराया था। बावजूद इसके पाकिस्तानी खिलाड़ी विश्व कप में भारत को हराने का दावा विश्व कप 2019 में 16 जून को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत पाकिस्तान को विश्व कप में हराने का सिलसिला बरकरार रख पाएगा या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।